आप लोगों को मेरे पास प्रेजेंटेशन टॉपिक्स जो है वो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, ठीक है? वो आप लोगों को रिसीव हो गए होंगे। आप लोगों के साथ जो है वो ज़रा मैं लिस्ट भी शेयर कर लूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को बता सकूँ प्रेजेंटेशन में करना क्या है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि मिस करना क्या है ये बता दें और किस तरह आपको चाहिए, ठीक है? तो ये मैं आपको ज़रा प्रोसीजर डिफाइन कर देती हूँ, एक मिनट। अच्छा, अब एक सामने जो है वो मौजूद है, ठीक है? लिस्ट आपके पास फॉरवर्ड होकर आई होगी, आपके अपने जो भी सेक्शन है आपने अपने सेक्शन के हिसाब से जो है वो मिल गई होगी। अब देखिए, यहाँ पे एक ग्रुप नंबर वन है, इस ग्रुप नंबर वन के 3 मेंबर्स हैं। इन 3 मेंबर्स को मैंने जो है वो एक टॉपिक असाइन कर दिया है, ठीक है? अब इस टॉपिक के अंदर आपने क्या करना है, किस तरह काम करना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपने जो है वो मैटलैब में ये काम करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो फाइंड आउट देयर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है? ये आपने जो है वो परफॉर्म करनी है किस पे, मैटलैब पे। अब मैटलैब पे ये एक ही टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन तो दे दी है, ठीक है? आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड किया जाता है, उसका पीडीएफ सीडीएफ सब कुछ आपको पता है, ठीक है? अब इसी चीज को आप मैटलैब पे किस तरह काम करेंगे, ये काम आपका जो है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, ठीक है? अब इसे परफॉर्म किस तरीके से करना है, ये मैं आपको एक स्टूडेंट का असाइनमेंट है ये मैं दिखा रही हूँ, ताकि आप उसी के हिसाब से काम करें। अब देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, सिया प्लीज नोट करते रहिएगा वरना बाद में जो है वो परेशान होंगे सारे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन के लिए जो है वो सबसे पहले आपने प्रेजेंटेशन के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, आपके पास प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहली चीज आपकी वीडियो होनी चाहिए, दूसरी चीज आपकी मैटलैब की कोडिंग फाइल होनी चाहिए, और तीसरी चीज आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। नंबर 1, वीडियो बनाएंगे आप, नंबर 2, प्रेजेंटेशन फाइल बनाएंगे आप, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटीज बनाएंगे, और नंबर 3 आप क्या बनाएंगे, प्रेजेंटेशन वीडियो और मैटलैब के कोड फाइल आप मुझे देंगे। अच्छा, तीसरी चीज मैंने आपको डिफाइन कर दी। तो सबसे पहले अब आपने, आपको मैं एक फोल्डर शो कर रही हूँ, ठीक है? इस फोल्डर के अंदर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों ने किस तरीके से मुझे सेंड करना है। तो 1 मिनट रुकिए, आपके सामने एक फोल्डर शेयर कर रही हूँ, देखें यहाँ पे, देखें आपके पास एक फोल्डर शो हो रहा होगा यहाँ पे। देखें, अभी मुझे इस सेमेस्टर के काफी बच्चों ने असाइनमेंट भेजा है, या आपके सब्जेक्ट का असाइनमेंट तो नहीं है लेकिन ये उससे सिमिलर जो है वो मेरे पास कुछ स्टूडेंट के असाइनमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखें, ये एक आपके सामने जो है वो उन्होंने एक रार फाइल बनाई है। इस रार फाइल का उन्होंने नाम क्या रखा है, अपने टॉपिक का नाम रखा है। तो आप भी एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर आप अपने टॉपिक का नाम रखेंगे, ठीक है? अब ये आपने फाइल बना ली। अब जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया, इस फाइल के अंदर देखें, इस फाइल के अंदर यहाँ पे 3 चीजें रखी हुई है, एक मैटलब की फाइल जो मैंने आपको कही, दूसरा वीडियो रखे हुए हैं, तीसरी इसकी स्लाइड रखी हुई है। तो यहाँ मैटलब की फाइल के अंदर क्या है, मैटलब की फाइल के अंदर इन्होंने जितनी भी कोडिंग्स की हैं, इन कोडिंग का एक्सटेंशन .m की फाइल है। .m की फाइल का मतलब ये है कि अभी मैं आपको मैटलब खोल के दिखाती हूँ। .m की फाइल का मतलब ये है कि मैं आपसे आपका फंक्शन बना हुआ मांग रही हूँ। फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ, मैटलब खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। तो आपने जो भी फंक्शन का मतलब, जो भी आपने चीजें फाइंड आउट की हैं, वो सारी की सारी आप किस पे बनाएंगे, आप उसको फंक्शन बनाएंगे और वो फंक्शन की फाइल मुझे सेंड करेंगे, और वो फंक्शन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको भी समझाऊंगी। तो सबसे पहला काम, अब इनकी इनकी 3 कोडिंग फाइल थी, तो इन्होंने 3 कोड फाइल बना दी, ठीक है? अब इस 3 कोड फाइल इन्होंने मुझे एक मैटलैब फाइल्स के दरमियान का एक फोल्डर बनाया, इसमें भेज दी। दूसरी ये इनकी वीडियो है, ये वीडियो आपके सामने इनकी रखी हुई है। अब इस वीडियो के अंदर दिखा देती हूँ आपको, ये वीडियो भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। देखिए, इन्होंने ये वीडियो किस तरह बनाई है, ये भी आपके साथ ओपन होती है, तो ये मैं वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ। अब रुके, ये वीडियो जो चलाई है ये इसकी स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपसे। अच्छा, अब ये देखें, वीडियो आपके साथ शेयर हो रही है। अब इस वीडियो के अंदर देखें, इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देना शुरू करी। अब एक्सप्लेनेशन में देखें, इनका ये खुद नहीं दिख रहे कहीं पर आपको, ठीक है? ये इन्होंने सिर्फ अपने वॉइस को जो है वो शूट किया है, तो ऐसे ही आप लोग भी शूट करेंगे, सही है? अब इन्होंने अपनी वॉइस को शूट किया है। अब देखिए, इन्होंने समझाना शुरू किया है, सबसे पहले ये अपना टॉपिक समझा रहे हैं, ठीक है? आप टॉपिक ना भी समझाएं मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप मैटलैब का कोड जरूर समझाएं।
इन्होंने मैटलैब का कोड समझाने से पहले जो है वो इन्होंने डेफिनेटली अपने की पॉइंट्स को डिफाइन किए कि हमने क्या कहा, किस किस तरह किए, ठीक है। फिर उन्होंने अपना टॉपिक समझाया, टॉपिक समझाने के बाद फिर इन्होंने यहाँ पे लेकर आ गए वो, जब इन्होंने अपना टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो फिर ये ले आए अपने इसके ऊपर मैटलैब के कोड पे, कि जो टॉपिक में उन्होंने समझाया उसी से रेलिवेंट जो इन्होंने मैटलैब की कोडिंग की है, ये आप देखें ये इन्होंने डिफाइन किया। अब इस मैटलैब की कोडिंग के अंदर जो है वो इन्होंने पूरा के पूरा कोड जो है वो आप देखेंगे तो इस तरह पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और हर किसी का आउटपुट भी शो किया है। मतलब जो कोड फाइल इन्होंने मुझे सेंड की है उस कोड फाइल को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है वीडियो में। तो मेरी वीडियो से मुराद ये है कि आप मुझे टॉपिक मत समझाएं, टॉपिक मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप टॉपिक ना समझाएं। हाँ टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई नेसेसरी चीज है तो आप समझाइए, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे इस मैटलैब की स्क्रीन के ऊपर आप अपना कोड चलता हुआ दिखाएंगे कि मैम ये इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो ये आपने जो है वो वीडियो बनानी है, क्योंकि मैं ये प्रेजेंटेशन आपसे यूनिवर्सिटी में लेती लेकिन अभी फिजिकल क्लास सस्पेंडेड है तो इस वजह से मुझे आपकी ये वीडियो चाहिए। अब देखिए इन्होंने मुझे ये वीडियो बना के अपने फोल्डर के साथ इन्होंने ड्राइव पर रख दी थी, मैंने वहां से डाउनलोड करा, इनकी वीडियो सुनी और उसके हिसाब से इनकी मार्किंग कर दी, ठीक है। तो ये इन लोगों ने अपने ड्राइव पे फोल्डर्स बनाए हुए थे वहां रख दिए थे इन्होंने, मैंने वहां से उनको एक्सेस करके नंबर असाइन कर दिए, जिसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्ड थी उसके हिसाब से उनको नंबर दे दिए। तो ऐसे ही काम आप लोगों ने भी करना है। अब तीसरी चीज देखें, एक दो चीजें मैंने आपको दिखा दी, मैटलब की फाइल दिखा दी, कोड दिखा दिया, अब आखिरी चीज देखें मैटलब की स्लाइड। अब मैंने आपको आखिरी चीज दिखानी है प्रेजेंटेशन स्लाइड। अब इन्होंने ये प्रेजेंटेशन स्लाइड दी है, ठीक है। अब ये इन्होंने प्रेजेंटेशन स्लाइड दी है, अब इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करना शुरू किया, ठीक है। अब ये अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब आप ये आपका, अच्छा एक मिनट रुके, आपके साथ प्रेजेंटेशन स्लाइड नहीं शेयर हो रही। ये देखें अब आपके सामने स्लाइड शेयर हो रही है, इन्होंने यहाँ पे इसकी स्लाइड्स बना ली। स्लाइड बनाने के बाद ये देखें इन्होंने बैकवर्ड टेबल डिफाइन करना शुरू किया, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन की, फिर उन्होंने एग्जांपल बताई, फिर इन्होंने इसकी कोडिंग कर दी, ठीक है। कोडिंग करके इन्होंने जो है वो बता दिया, देखें ये हमने इस तरह पे कोडिंग की है, और ये कोडिंग जो इन्होंने की थी इस कोडिंग का जो है वो इन्होंने मुझे जो है वो स्क्रीनशॉट भी भेज दिया और इसकी कोडिंग की एक्चुअल फाइल भी मुझे सेंड कर दी। तो अब समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों को? यस मिस। अब मुझे कोई सवाल है तो इस वक्त पूछे, फिर मैं आपको मैटलैब की फाइल बनाना सिखाऊंगी। मिस मेरा एक सवाल है कि बोलो। हमें मैटलैब पे जो कोडिंग करनी है तो हमारा जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड करनी है कोडिंग, या आप हमें कोई फंक्शन देंगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये वाला फंक्शन बनाना है तो उसकी कोडिंग करनी है? देखो अब मैंने तुम लोगों को असाइन कर दिया, जैसे अभी मैंने तुम्हें कहा कि ग्रुप नंबर वन को मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, ठीक है। अब ये टॉपिक तुम्हारे पास आ चुका है, जी आ चुका है। अब ये तुम्हारे पास टॉपिक आ गया, अब इस टॉपिक से रिलेटेड तुम क्या करोगी मैटलैब, सबसे पहला काम क्या होगा, इस टॉपिक को तुम सर्च करोगी गूगल पे। अब तुम जब गूगल पे सर्च करोगी तो मैंने तुम लोगों को क्या कहा कि सबसे बेस्ट मैटलैब पढ़ने के लिए जो वेबसाइट है वो कौन सी होती है, मैथ्स वर्क की, ठीक है। मैंने तुम लोगों को दिखाई भी होगी, तो अब वो जो मैथ्स वर्क की तुम गूगल पे लिखोगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और आगे लिख दोगी मैथ्स वर्क। अब जब मैथ्स वर्क लिखोगी तो डायरेक्ट मैटलैब की ऑफिशियल वेबसाइट तुम लोगों के सामने आ जाएगी। अब उस ऑफिशियल वेबसाइट का पेज जो आपके सामने डिस्प्ले होगा उस पे ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट विद एग्जाम्पल सब कुछ डिफाइंड होता है, आप वहां से देखें कि आप कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब जो जितना अच्छा समझाएगा, जो जितनी अच्छा समझे एक्सप्लेनेशन या टॉपिक की चीजें होंगी उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। अब जैसे इनके ये जो आपके सामने भी मैंने दिखाया, इन लोगों की भी ये प्रेजेंटेशन 20 मार्क्स की थी। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन बनाई तो उन्हें 20 आउट ऑफ 20 मिले, किसी की मीडियन थी तो उसे 18 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, किसी को मैंने बिल्कुल 5 नंबर भी दिए। क्यों? क्योंकि उनको कहा था कि वो मैटलैब पे बनाए, उन्होंने C++ पे बना दी। तो ये बात सबसे पहले ही तो भूल जाइएगा कि मैं चेक नहीं करती, मैं लाजमी चेक करती हूँ, उसके बाद फिर कोई ऑप्शन रहता नहीं है आपके पास, सही है। तो सबसे पहला काम ये भूलना कि मिस चेक नहीं करेंगी, इतने सारे बच्चे हैं तो ये फिर गलत है। जब वो आते हैं नंबर तो फिर आप लोग खुद देख लेंगे कि मिस ने कितना चेक किया, ठीक है। तो जो जिसके हिसाब से अब आप में आपके तीन तीन चार चार ग्रुप मेंबर है,
अब आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मिलके बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसमें मैक्सिमम काम कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेनेशन करेंगे। वो डेफिनेटली जब मैं आपके वीडियोस और आपका काम देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है हाँ ये स्टूडेंट 20 out of 20 वाला है, ये ग्रुप 20 out of 20 वाला। तो मैं उसके जितने भी मेम्बर्स होते हैं मैं उसके जो है वो 20 out of 20 हर मेम्बर को डिफाइन कर देती हूँ। तो आपने ये ग्रुप में काम करना है। अच्छा मैम, जो वीडियो जो हम वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में भी यही होगा ना, जैसे आपने जो वीडियो दिखाई थी उसमें शायद एक ही कोई एक्सप्लेन कर रहा था, तो हम नहीं, नहीं, एक नहीं, ही वीडियो एक में एक डिफरेंट एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर रहा, करेंगे। वो तुम्हारे पास मैंने आवाज बंद कर दी थी, वो बच्चा जो है वो एक्सप्लेन करते करते बोलेगा कि अब ये बच्चा, अब ये नेक्स्ट मेरे स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट अब ये वाला काम करेगा। ठीक है, ठीक, सही है, थैंक ठीक यू है, सो मच मैम। ओके। अब जैसे तुम लोगों ने एक ने एक्सप्लेन कर दिया, फॉर सपोज एक ने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो वो बोलेगा मेरे ग्रुप का दूसरा मेंबर जो है वो ये एक्सप्लेन करेगा, तो वो एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, उसके बाद तीसरा मेंबर बोलेगा कि भाई मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया, अब मेरा थर्ड मेंबर ये एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, एक और फैसिलिटीज मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, अगर आपका ग्रुप का कोई भी मेंबर काम नहीं करता, आप उसे अप्रोच करते हैं वो काम नहीं करता, 2 से 3 मरतबा अप्रोच कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा, तो आप सबमिशन करते वक्त उसका ग्रुप मेंबर का नेम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, और उस ग्रुप मेंबर के आगे लिख देंगे कि नॉट इंटरेस्टेड, ये इसने कोई कंट्रीब्यूशन परफॉर्म नहीं किया हमारे साथ। अपनी प्रेजेंटेशन की जो फर्स्ट स्लाइड में आते हैं जिसमें आप लोग नाम वगैरह सब लिख रहे होते हैं, तो उसके नाम के आगे ब्रैकेट में लिख देंगे कि इसने कोई कंट्रीब्यूशन परफॉर्म नहीं करी। ठीक है, तो आपने नाम उसका मेंशन करना है लेकिन एक नोट जो है वो लिख देना। ठीक है, उसके बाद फिर मैं उस बंदे को नंबर नहीं देती जिसने काम नहीं किया, बाकी जिसने काम किया होगा उसमें मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। अगर मैं किसी को 18 नंबर दे रही हूँ तो उसके दूसरे मेंबर को भी 18 ही मिलेंगे। अच्छा मैम, एक चीज पूछनी है हाँ बोलो। मैम, जैसे कि ये अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई ऑफिस की फाइल है, तो वो पूरे ग्रुप की सेम ही होगी या सब अलग अलग बनाएंगे? नहीं, ग्रुप वाइज कर रहे हो बेटा, ग्रुप वाइज सब कुछ सेम होगा, एक ही फाइल बनाओगे ग्रुप में। जैसे देखो, ठीक है मैम, एक मिनट रुको, शायद तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ फिर से, अभी मैंने बंद कर ली, रुको। अब जैसे एक मिनट, मैं प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे बनाएंगे या नॉर्मल एमएस वर्ड पे? ठीक नहीं, पावर पॉइंट पे बनाओगे, इन्होंने पावर पॉइंट को पीडीएफ में डाल दिया था। अच्छा ये देखें, ये आपके सामने देखिए प्रेजेंटेशन का फोल्डर्स हैं। अब ये हर स्टूडेंट के अपने अपने प्रेजेंटेशन के नाम से उन्होंने फोल्डर बना लिए। ठीक है, अब ये किसी 3 या 4 बंदे का ग्रुप होगा, उसने ये फोल्डर बनाया। ठीक है, अब मैं इसे ओपन करूंगी। अब जब एक मिनट रुकिए, जब मैंने इसे ओपन किया, अब देखें यहाँ पे जब मैंने इसे ओपन किया, ठीक है, अब जब मैं इसे ओपन करूंगी तो ओपन करने के बाद जो है वो आपके पास क्या आएगा कि आपके पास डिफरेंट, ये देखें, ये मैटलैब की कोड आउटपुट फाइल रखी हुई है। ठीक है, और ये इसकी प्रेजेंटेशन। अब ये इनकी जो 3 प्रेजेंटेशन है इसके अंदर इन्होंने यहाँ डिफाइन कर दिया है कि इसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अब ये बताएंगे कि ये 3 बंदे हैं जिन्होंने मिलके काम किया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 बंदे थे, इन तीनों ने मिलके काम किया, इन्होंने प्रेजेंटेशन बनानी शुरू कर दी। ठीक है, अभी इन्होंने कहा कि ये मेरा कंटेंट है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सही है, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते करके सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो हर ग्रुप में काम करेंगे तो एक फाइल आनी चाहिए आपकी, जैसे मैंने आपके सामने एक फोल्डर खोला उसमें एक एक फाइल सारी रखी हुई थी, तो आपने ग्रुप में मिलके काम किया। ठीक है, समझ आया? अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस हाँ, आज जैसे हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, तो मिस हाँ हम जैसे आप लैब 1, लैब 2, लैब 3 में हम कर रहे थे कि हम 25 डेटा सेट ले रहे थे, 25 स्टूडेंट्स का या किसी का भी, और हाँ फिर उसके बाद उसको सॉल्व, मतलब उस पे फॉर्मूलाज लगा रहे थे, तो अभी भी इसी तरह करना है ना, मतलब मैटलब पर? हाँ उसी तरह करना है, या फिर इससे रेलेवेंट मैं कहूंगी कि इससे रेलेवेंट फंक्शन ढूंढ लो। अगर तुम्हें फंक्शन मिल जाता है, बिल्ट इन फंक्शन मिल जाता है मैटलैब का, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो अपनी स्क्रिप्ट लिख लो। अब मैं स्क्रिप्ट लिखना समझा रही हूँ।
अब देखो, अब मैं तीसरी चीज आपको जो समझा रही हूँ, अब जो सवाल है आपका वो स्क्रिप्ट लिखने से मुताबिक है। अब वो ये देखें, ये मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखें कि सबसे पहली चीज, इसे मैं बनकर यहाँ, हाँ इसे सब, चलो इसे 1 मिनट तुम लोगों के सामने बनाती हूँ। अच्छा, अब देखें सबसे पहले आपके सामने जो है, जैसे मैंने मैटलैब ओपन किया, ये विंडो आपके सामने जैसे आती है वैसे आ गई। ठीक है, इस विंडो पे तुम लोगों ने काम भी किया, ठीक है, काम करना तुम लोगों को अच्छे से आ गया। अब मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, अब मैं आपको आपका फंक्शन बनाना सिखा रही हूँ, फंक्शन बना रही हूँ। अब आपको पता है फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, पीस ऑफ कोड को आप फंक्शन कहते हो। अब अभी ये मैं और सर्वदा, और सर्वदा इस सेमेस्टर में आपको अच्छे से समझा चुके हैं फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हो, किस लिए करते हैं। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैटलैब में फंक्शन किस तरह बनाया जाता है। तो मैटलैब में फंक्शन, ये जो प्लस का साइन है ना, यहाँ पे लिखे हुए होते हैं आपके फंक्शन। अब ये है स्क्रिप्ट, ये है लाइफ स्क्रिप्ट, ये है फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से फंक्शन कॉल करेंगे। जैसे आपने फंक्शन पे क्लिक किया, आपके सामने ये एक स्क्रीन हो गई, ठीक है। तो ये एक आपके पास स्क्रीन निकल आई। अब ये स्क्रीन के अंदर जैसे निकल आई, ये इसमें देखें, ये इसका जो है ना सेंटेक्स है, आप इस सेंटेक्स को तंग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आपका सेफ नहीं होगा कभी। अब यहाँ देखें, ये फंक्शन है, ये इसके आउटपुट आर्गुमेंट है। आउटपुट का मतलब है जो भी आपने आउटपुट निकालना है, मतलब फॉर सपोज इन्होंने यहाँ पे एक असाइनमेंट का फंक्शन बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है कि जो भी यहाँ से इनपुट आएंगे वो सारे के सारे आउटपुट वेरिएबल में असाइन हो जाएंगे, और वो आउटपुट वेरिएबल जब आप इस फंक्शन को रन करोगे तो वो आउटपुट वेरिएबल यहाँ से क्या होंगे, रिटर्न होंगे। तो एक तरीके से देखें ये बिल्कुल रिटर्न फंक्शन का इन्होंने जो है वो आपको बना के दे दिया है, फंक्शन का पैरामीटर इन्होंने बना दिया है। अब आप यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब फंक्शन का नाम जैसे मेरा है, फॉर सपोज मैंने फंक्शन का नाम लिख लिया मीन निकाल दिया। अब मीन निकालने में मुझे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगी, तुम लोग सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे एक एक करके जो भी कमांड आपने एग्जीक्यूट करानी है वो सारी की सारी आपने यहाँ लिखी, ठीक है। और जो आउटपुट जिस वेरिएबल में डिफाइन करोगे वो आउटपुट वेरिएबल आप यहाँ भी लिख दोगे, और आउटपुट वेरिएबल आप नल भी कर सकते हो, नल आउटपुट वेरिएबल करके सिर्फ यहाँ पे भी डिफाइन कर दोगे तो भी आंसर बाहर आ जाएगा, कोई इशू नहीं। अगर आप यहाँ से रिमाइंड कर दोगे, ठीक है, यहाँ नल कर दोगे, यहाँ से चीजें हटा दोगे तो भी आउटपुट आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर ये होगा कि आपने वहां से क्या करना होगा, इसमें से ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हटा दें। जब आप ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हटा देंगे तो फिर आपको आउटपुट यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हटा देंगे तो ये प्रिंट कर देगा आपकी वैल्यू, लेकिन अगर यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा लिया तो फिर आप यहाँ निकाल दें आउटपुट के पैरामीटर्स, तो ये यहाँ से आउटपुट दे देगा आपको, ठीक है। खैर ये डिफरेंट तरीका है, आपको जो इशू और जो सहूलत लगती है उस तरह काम करें, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने फंक्शन का नाम लिखा। अब फंक्शन का नाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इनपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है सब पता है आपको, लेकिन ये फंक्शन के जो कीवर्ड है ये कभी नहीं हटाइएगा, ये फंक्शन का कीवर्ड और ये एंड का कीवर्ड कभी नहीं हटाना आपने, सही है। ये आपके पास आ गई, ये आपने मीन डिफाइन किया, मीन के अंदर आपने फॉर सपोज दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए ए और बी, ठीक है। यहाँ पे आपने ए वेरिएबल डिफाइन कर दिया और यहाँ आपने बी वेरिएबल डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक वेरिएबल देना है तो एक दे दें, दो वेरिएबल देना है तो दो दे दें, ठीक है, जितने आपको जरूरत है। मुझे नहीं पता आपको कितनी की जरूरत पड़ेगी, आपने दोनों डिफाइन कर दिया। जब वहां डिफाइन करेंगे तो यहाँ भी चेंज करेंगे उनके नाम। अच्छा, सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद अब आपने क्या करना है, इसे सेव करवाना है। सेव करवाने के लिए सिंपल कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। तो एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इसी के ही नाम से ही आप सेव करवाएंगे। अच्छा, आपके सामने जैसे आपने कंट्रोल एस को किया तो आपके सामने एक स्क्रीन अपियर हुई है, ये स्क्रीन यस आ गई है, स्क्रीन आ रही है आपके सामने सेव एस, यस आ रही है, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यह याद रखना है कि जो फंक्शन का नाम दोगे वही नाम से ही आपका फंक्शन सेव होना चाहिए। अगर फॉर सपोज तुम फंक्शन का नाम दे रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन और सेव उसे मीन के नाम से कर रहे हो, तो याद रखना कभी फंक्शन कॉल नहीं होगा तुम्हारा, हमेशा एरर देगा, वो बोलेगा कि नेम इनकॉम्पेटेबल है, आपके तो एग्जिस्ट नहीं करते, ये फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो फंक्शन किस बात का कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तो बाय डिफॉल्ट खुद से ये नाम सेलेक्ट कर लेता है, तो आप इसके खुद से नाम ये सेलेक्ट कर लेगा, आप इसे रहने दीजिए। इसने मैटलब, अच्छा मैटलब का जो कोड फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉट एम, मैटलब की जो कोड फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉट एम, आप इसे भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इसे भी चेंज नहीं करेंगे और ले जाके आप इसे सेव कर देंगे, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव हो रहा है स्टूडेंट, सी के अंदर सेव होगा,
आप यहाँ से इसका पाथ दे सकते हैं, सी प्रोग्राम फाइल मैटलैब 18 बिन के अंदर जाके ये सेव हो रहा है। अब ये बाय डिफॉल्ट तो यही है, ठीक है, आप यहीं पे सेव रहने दीजिए, ये यहाँ से जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सेव दबाऊंगी तो सेव हो जाएगा। अब जब मैं सेव दबा देती हूँ फाइल, अब ये कहीं और का पाथ पूछ रहा है तो आप कहीं और का दे दें, कोई इशू नहीं है। अगर कभी कभार आपका वो जगह नहीं आ रही है तो आप उसे कहीं और का पाथ दे दें, जिस तरह मैं इसे दे देती हूँ डी में, तो यहाँ पे दे देती हूँ। चलो ठीक है, अब मैंने इसे कहीं और का पाथ डिफाइन कर दिया। अब वो कहीं और का पाथ डिफाइन कर दिया, वो कहीं और का पाथ यहाँ डिफाइन नहीं हो रहा। अब ये क्या है, करंट डायरेक्टरी क्या है, इसकी करंट डायरेक्टरी सी पे लगी हुई है। करंट डायरेक्टरी इसकी क्या है, सी पे लगी हुई है, सी प्रोग्राम फाइल मैटलैब। लेकिन मैंने इसे कहाँ पे डिफाइन किया, मैंने इसे डी के अंदर डिफाइन कर दिया। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे इसका पाथ सिलेक्ट करना होगा। इस पाथ पे जाओ, यहाँ से जाके सिलेक्ट करो और दूसरा लेकर आओ, यहाँ से जाओ और पीछे जाके जो है वो कहाँ पर आओ, अपनी डी फाइल के अंदर लेकर आओ, या फिर इस पाथ को जहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ना वो पाथ यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लाके पेस्ट करती हूँ, जैसे मैंने एक पाथ यहाँ पे डिफाइन किया था जहाँ पे मैंने फाइल रखी थी ना सायमा डॉक्यूमेंट में, तो मैं वहां से जाके उसका पाथ कॉपी कर लाती हूँ। अच्छा, यहाँ से भी आ सकता है वैसे, लेकिन चलो मैं पाथ कॉपी करके दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ से हम किस पर आ गए, यहाँ से हम डी पर आ गए। ठीक है, अब डी के अंदर मेरा कहाँ पे रखा हुआ है, सायमा के दिस वन यहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ पे जाके देखते हैं, ये रखी हुई आपकी मैटलैब की फाइल। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप कॉल करेंगे तो ये डेफिनेटली आपकी मैटलैब की फाइल चल जाएगी। ठीक है, लेकिन जहां पे भी आप सेव करवाएंगे मैटलैब की फाइल, वो इस करंट फोल्डर के अंदर ओपन होनी चाहिए। अगर आपका यहाँ पे डेटा ओपन नहीं है, दैट मीन्स कि आपको क्या होगा, फिर आपको मुश्किलात होंगी, फिर आपका फंक्शन बोलेगा कि रीचेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका है आपका फंक्शन बना के, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे, अपने सेट ऑफ कोड्स लिखेंगे। अगर आपके जो है वो फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक से दो कमांड के अंदर ही आपका आंसर आ जाता है, तो फिर आप फंक्शन ना बनाएं, आप फिर यहीं पे ही अपनी सारी चीजें डिफाइन करें। सही है, फॉर एग्जाम्पल कभी कोई स्टूडेंट है जिनका जो है वो फंक्शन नहीं बन रहा, बल्कि उन्हें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लगानी है और यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सिर्फ एक से दो एग्जीक्यूशन देनी है, तो आप बस यहाँ पे सिर्फ डिफाइन कर दें, फिर फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को बनती है तो फिर आपको यहाँ बनानी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है? अब बताइए, कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे खौला कर रही थी, खौला? यस मिस। बेटा इस रिकॉर्डिंग को यहाँ स्टॉप कर देना जरा, इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके प्रेजेंटेशन के नाम से सेव कर देना, फिर ये जरा मुझे दो, मैं दूसरे ग्रुप में भेजूंगी। ओके मिस। ठीक है, जरा इसको यहाँ स्टॉप कर दो।